तो बीजेपी की जंबो सूची जारी हो गई है। कुछ मंत्रियों के टिकट कट गए हैं तो कुछ कद्दावर मंत्रियों के नाम पेंडिंग में डाल दिए गए हैं। चौंकाने वाली खबर यही है कि राज्य सरकार में नंबर टू मंत्री कहे जाने वाले यूनुस खान का नाम डीडवाना से तय नहीं हुआ, तो वहीं कालीचरण सराफ, राजपाल सिंह शेखावत, सरीखे कद्दावर चेहरे नदारद है। साथ ही बड़ी बात यह भी है कि पहली सूची में किसी की भी सीट नहीं बदली गई। इस बात के संकेत प्रकाश जावड़ेकर ने पहले ही दे दिए थे। मोटे तौर पर सूची पर वसुंधरा राजे का प्रभाव साफ नजर आता है। देखते हैं एक खास रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा चुनावों के समर में उतरने के लिए बीजेपी ने अपने जंबो सूची को मैदान में उतार दिया है। अधिकांश पुराने चेहरों पर विश्वास जताया है तो वही कई कद्दावरों की टिकट भी काट दिए गए हैं। इसमें मंत्री भी शुमार है। पहले बात करते हैं उन कद्दावर चेहरों की जिनके टिकट काट दिए गए। इन दिग्गजों के कटे टिकट, मंत्री परिषद के कुछ प्रमुख सदस्यों के कटे टिकट, जलदाय मंत्री सुरेंद्र गोयल का जैतारण से टिकट कटा, जनजाति विकास मंत्री नंदलाल मीना को प्रतापगढ़ से टिकट नहीं मिला, नंदलाल की जगह उनके पुत्र हेमंत को टिकट दिया गया। वो दिग्गज मंत्री जिनका सूची में नाम नहीं, डिडवाना से यूनुस खान, मालवीय नगर से कालीचरण सराफ, रतनगढ़ से राजकुमार रेणवा, करणपुर से सुरेंद्र पाल सिंह डीटी, केचुराय पाटन से बाबूलाल वर्मा, बांसवाड़ा से धन सिंह रावत, जोटवाड़ा से राजपाल सिंह शेखावत, भैरोड़ से जसवंत यादव, थानागाजी से हेम सिंह भटाना। वो मंत्री और संसदीय सचिव जिन्हें फिर मिला टिकट, झालरा पाटन से वसुंधरा राजे, राजस्थान की मुख्यमंत्री है राजे, हनुमानगढ़ से डॉक्टर राम प्रताप, चुरू से राजेंद्र राठौड़, खंडेला से बंशीधर बाजिया, सिविल लाइन से अरुण चतुर्वेदी, अजमेर उत्तर से वासुदेव देवनानी, अजमेर दक्षिण से अनीता भदेल, डेगाना से अजय सिंह किलक, बाली से पुष्पेंद्र सिंह, लोहावट से गजेंद्र सिंह खिवसर, भोपालगढ़ से कमसा मेघवाल, पचपतरा से अमरा राम चौधरी, उदयपुर शहर से गुलाब चंद कटारिया, चौरासी से सुशील कटारा, निम्बाहेड़ा से श्रीचंद कृपलानी, राजसमंद से किरण माहेश्वरी, अंता से प्रभुलाल सैनी, सिरोही से ओटा राम देवासी, संसदीय सचिव जिन्हें फिर अवसर, औसिया से भैरा राम सियोल, कुशलगढ़ से भीमा भाई डामोर, गुड़ामलानी से लादू राम बिश्नोई, खंडार से जितेंद्र गोठवाल, खाजुवाला से संसदीय सचिव विश्वनाथ मेघवाल। वो संसदीय सचिव जिनके टिकट अटके, बगरू से कैलाश वर्मा, केकड़ी से संसदीय सचिव शत्रुघ्न गौतम, विधानसभा के कद्दावरों को टिकट, विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल को शाहपुरा से टिकट, विधानसभा उपाध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह को शाहपुरा से टिकट, विधानसभा के मुख्य सचेतक कालू लाल गुर्जर को मांडल से टिकट। हालांकि उप मुख्य सचेतक मदन राठौड़ का टिकट अटका हुआ है। वो विधायक जिनके टिकट कटे, सूरतगढ़ से राजेंद्र भादू का टिकट कटा, भादू की जगह राम प्रताप कासनिया को टिकट, पूर्व मंत्री पूर्व विधायक है राम प्रताप, सादुल शहर से गुरजंट सिंह, हालांकि गुरजंट के पौत्र को टिकट, बिलबंगा से द्रौपदी मेघवाल का टिकट कटा, पूर्व विधायक धर्मेंद्र मोची को मिला टिकट, अलवर शहर से बनवारी लाल सिंघल का कटा टिकट, संजय शर्मा को मिला अलवर शहर से टिकट, बयाना से बच्चू बंशीवाला का टिकट कटा, ऋतु बनावत को बंशीवाल की जगह टिकट कटा, किशनगढ़ से भागीरथ चौधरी का टिकट कटा, भागीरथ की जगह युवा चेहरे विकास चौधरी को टिकट, मेड़ता से सुखराम का टिकट कटा, सुखराम की जगह भवरा राम रिठारिया को टिकट, सोजत से संजना आगरी का टिकट कटा, आगरी के स्थान पर शोभा चौहान को टिकट, आरएसएस अधिकारी राजेश चौहान की पत्नी है शोभा, जालौर से अमृता मेघवाल का कटा टिकट, अमृता के स्थान पर जोगेश्वर गर्ग को मिला अवसर, घाटौल से नवनीत लाल नीनामा का कटा टिकट, घाटौल से दिया गया हरेंद्र नीनामा को टिकट, बड़ी सादड़ी से गौतम कुमार दक का टिकट कटा, गौतम के स्थान पर ललित कुमार उस्तवाल को टिकट दिया, सागवाड़ा से अनीता कटारा का टिकट कटा, अनीता की जगह शंकर लाल डेचा को टिकट, खिरवाड़ा से नाना लाल आहारी का टिकट कटा, नाना लाल की जगह दिया गया शंकर लाल खराड़ी, मावली में दलित चंद डांगी की जगह धर्म नारायण जोशी, डूंगरपुर से देवेंद्र कटारा के स्थान पर माधव लाल वराहत, रामगंज मंडी से चंद्रकांता मेघवाल का टिकट कटा, चंद्रकांता की जगह चुनाव लड़ेंगे मदन दिलावर, मनोहर थाना से कटा कंवर लाल का टिकट, मनोहर थाना से गोविंद रानीपुरिया को मिला टिकट,
सहाड़ा से डॉक्टर बी आर जाट का टिकट कटा। सहाड़ा से रूपलाल जाट होंगे उम्मीदवार। पिलानी से काका सुंदरलाल की जगह उनके पुत्र कैलाश को टिकट। अलवर शहर से बनवारी लाल सिंघल की जगह संजय शर्मा। नागौर से हबीबुर रहमान का टिकट कटा। मोहन राम को मिला टिकट। सोजत से सजरा आगरी की जगह शोभा चौहान। जोधपुर से कैलाश भंसाली की जगह उनके भतीजे अतुल भंसाली। आहोर से शंकर सिंह राजपुरोहित की जगह छग्गन सिंह। प्रतापगढ़ से नंदलाल मीणा की जगह उनके पुत्र हेमंत। बीजेपी ने मैराथन बैठकों के दौर के बाद सूची को अंतिम रूप दिया है। 200 विधानसभा सीटों में से अब 69 सीटों पर उम्मीदवार घोषित होना बाकी है। संभावना है कि कांग्रेस की सूची देखकर बीजेपी अपनी दूसरी सूची पर निर्णय करे। वर्तमान सूची में बीजेपी ने अपने मात्र संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मान भी रखा। मदन दिलावर, जोगेश्वर गर्ग सरीखे संघनिष्ठ चेहरों की वापसी हुई। सतीश पुनिया भी संघनिष्ठ चेहरे हैं। वहीं नए संघनिष्ठ चेहरों के तौर पर ऋतु बनावर, विकास चौधरी सरीखे एबीवीपी से निकले युवा चेहरों पर दाव खेला। वसुंधरा राजे ने 100 से पुराने विधायकों पर दाव खेला है। फर्स्ट इंडिया के लिए भारत के साथ योगेश शर्मा की रिपोर्ट।